हेलो एवरीवन, मैं कोमल कोमल्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और डिलीशियस डोमिनोज जैसा बटर स्कॉच मूस केक। और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना ये केक। तो यही आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको कोमल्स किचन की रेसिपीज अच्छी लगती हैं या बहुत अच्छी लगती हैं, रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करें। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर छन्नी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप मैदा, आधे कटोरी शक्कर और इसमें दो चम्मच हम कोको पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच खाने वाला सोडा। सारे ड्राई चीजों को हमें पहले छन्नी से छान लेना है। सारी चीजें हमारी छन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। आप दही की जगह दो चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर विनेगर नहीं है तो दही, दोनों में एक चीज जरूरी है। और दोनों चीजें नहीं है तो एक नींबू का, बड़े नींबू साइज के नींबू का रस डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 तेल, खाने वाला तेल। मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। इसमें थोड़ा सा और पानी की नीड है क्योंकि हमें थोड़ा सा घोल पतला बनाना है। हमारा जो बैटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे बेक कर देंगे। मैंने एक मोल्ड लिया है जो काफी चौड़ा नहीं है क्योंकि हमें बहुत पतला सा केक बनाना है। उस मोल्ड में मैंने पहले ऑयल लगाया, ऊपर से ड्राई मैदा लगाया और अच्छे से इसे डस्ट करके रखा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बैटर। बैटर को डाल दिया और इसे हल्का सा हम टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर के जो बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करना है क्योंकि केक की बहुत पतली लेयर है। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, पैन के ऊपर मैंने केक वाला बैटर रख दिया है। अब इसे ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट के लिए बेक कर देना है। मैंने गैस पे पैन रखा है। पैन में मैं सिर्फ ये छोटे दो चम्मच शक्कर डाल दिया है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। न इसमें पानी डालना है, न तेल, न घी, सिर्फ शक्कर को ही हमें डाल देना है ताकि वो कैरेमल अच्छे से बन पाए। अब देखिए हमारी शक्कर है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, साथ साथ में उसका कलर होना भी चेंज शुरू हो गया है। जैसे हमारा कलर चेंज होता जाएगा वैसे हमें कंटिन्यू चलाना है और आंच को कम कर देना है, ये तो काफी डार्क कलर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी शक्कर का कलर बिना पानी के भी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। कंटिन्यू चलाइए, हाथ छोड़ देंगे तो बहुत डार्क सा कलर हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर का। आप पास बटर नहीं हो तो आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन बटर डालने से बटर स्कॉच का असली फ्लेवर आता है। अब देखिए मैं बटर को अच्छे से मेल्ट करते करते इसमें एक चम्मच हम मिल्क मेड डाल देंगे। मिल्क मेड की जगह आप फ्रेश क्रीम घर की डाल सकते हैं। देखिए हमारा स्कॉच है वो बन के तैयार हो चुका है। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है लेकिन जब तक हमारे बर्तन में हीट है हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम लिया है और जो ये स्कॉच है जिससे मैंने बटर स्कॉच आपको बनाना सिखाया उसे भी इसमें डाल देना है। और अब हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर देना है जब तक ये लाइट नहीं हो जाता है। दस मिनट हो चुके हम अपने केक को एक बार चेक कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं 10 मिनट में केक बन के तैयार हो गया है। आपकी हीट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपके गैस की हीट कम या ज्यादा है तो आप बीच बीच में अपने केक को चेक करते रहिएगा ताकि केक हमारा जले ना। हम केक को रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे। हमारा केक अच्छा ठंडा हो चुका है। जिस ग्लास में हम सर्व करने वाले हैं उस ग्लास से हम केक के सर्कल काट देंगे। इसी तरह ये सारे सर्कल काट देने हैं। ये मेरे एक छोटे से केक में 7 सर्कल बनके तैयार हो गए हैं। हमें एक गिलास के लिए 2 सर्कल चाहिए, एक हमारी एक्स्ट्रा निकला है। और जो हमारी कटिंग निकली आप चाहें तो उस कटिंग को चूरा बना के भी आप 4 गिलास तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 2 गिलास लिया है
सबसे पहले हम ग्लास में एक लेयर व्हिप क्रीम से लगा देंगे। जो हमने बटर स्कॉच से बेबी क्रीम बनाया था मैंने एक लेयर लगा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे केक। केक को हल्के से डालना है और हाथ से प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि व्हिप क्रीम हमारे नीचे अच्छे से सेट हो गई है। मैंने इसके ऊपर केक रखा है एक लेयर ऊपर से और हम बटर स्कॉच की डाल देंगे। अब मैंने इसमें फिर से बटर स्कॉच डाल दिया है। अब हम एक केक की लेयर डालेंगे तो वो नीचे जाके अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है ताकि हमारे कोई भी खाली गैप ना दिखे। इसके ऊपर हमें और थोड़ी सी के ऊपर हमें एक लेयर और लगा देना है। इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट राइस डाल देंगे। आप चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चॉकलेट राइस अच्छा लगता है। बटर स्कॉच मूस केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सस्ती है रेसिपी और कितने सस्ते में हमने ये बना लिया। स्कॉच मूस के लिए पैसे देते हैं एक कप खरीदने के लिए, उन पैसों में आज हमने 4 कप बटर स्कॉच मूस के घर पर बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।